हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी रेसिपी है। इजीली आप इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं होममेड फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक गहरा बर्तन लिया है। आपके घर में जो भी कोई थोड़ा सा बड़ा और गहरा बर्तन हो, लाइक इस तरह का भिगोना हो, कोई और ऐसा गहरा बर्तन हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मिल्क। मैंने यहाँ पर जो है 2 लीटर जो है फुल फैट मिल्क लिया है। मैंने यहाँ पर जो मदर डेयरी का मिल्क आता है ना, वो वाला मिल्क लिया है। अगर आप चाहें तो भैंस का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जो दूध लेना है ना, वो दूध कच्चा लेना है। हमें दूध को ना तो उबालना है, ना उबालने के बाद उसे ठंडा करने के लिए रखना है, ना छानना है, और ना ही किसी तरह की मलाई को जो है छानकर हम क्रीम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे देखिएगा और जो रिजल्ट आएंगे ना वो बहुत ही अमेजिंग होंगे। अब इसे हम ढककर रख देंगे या तो 10 से 12 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में। जी हाँ, हमें इसे जो है फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। अगर हम बाहर रखेंगे तो हमारा दूध फट जाएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है दूध को पहले ही रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये देखिए, इस दूध को मैंने जो है कल रात को जो है ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए, ये अब वाला दूध है। हमें इस तरह से जो है दूध लेना है और उसे कवर करके फ्रिज में रख देना है। जब आप फ्रिज से इसे बाहर निकालेंगे तो हमारा जो मिल्क है ना वो इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ये थिक लेयर आई है क्रीम की। ये देखिए, आप इसे जो है ना बिल्कुल केयरफुली स्पून से जो है रिमूव कीजिएगा। ये देखिए, आप इसके थिकनेस देखिए, बहुत ही ज़्यादा थिक और क्रीमी लेयर है इसकी। ये देखिए, बिल्कुल जैसी मार्केट स्टाइल जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है ना, ये देखिए, इसी तरह से हम जो है सारी क्रीम को अच्छे से रिमूव कर लेंगे। कमर्शियली ना इस प्रोसेस के लिए सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घर पर जो है क्रीम को सेपरेट करने का ये सबसे आसान तरीका है। और ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो है हमारी क्रीम रेडी हुई है। आप इसे 3 से 4 दिन के लिए ना एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में या जार में, इसे आप फ्रिज में जो है स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, देखिए। और फ्रिज में रखने के बाद ना ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। ये देखिए, ये मेरे कल वाले दूध की जो है क्रीम है, इसे मैंने उतार कर फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद इसकी थिकनेस देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा थिक बनती है। आप इस क्रीम का इस्तेमाल बहुत सारी जो है वेराइटीज़ में कर सकते हैं। आप इससे जो है बटर भी बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग बटर बनता है इसका। आइसक्रीम्स में, सूप्स में, कॉफ़ी में, ढेर सारे डेजर्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे कैरमल भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसे पोर करके दिखा रही हूँ, कितनी रिच और थिक बनी है हमारी होममेड फ्रेश क्रीम। यकीन मानिए, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है और आपको बिल्कुल बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। और बनाने में इतनी सिंपल है कि कोई भी इसे बना ले। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ना ही हमें दूध को उबालना है, ना ही ठंडा करना है, ना ही किसी मलाई को उतार के उसे छान कर फिर हमें कोई क्रीम बनानी है। सिर्फ दूध को पतीले में डालना है और फ्रिज में ओवरनाइट रख देना है, बस आपकी जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये कैसी बनी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, आप इस क्रीम से बहुत सारी जो है रेसिपीज़ इन्जॉय कर सकते हैं। वो हर रेसिपी जो आप बाज़ार से लाई हुई क्रीम से बनाते हैं, इससे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन होता है, जो घंटी का बटन, प्लीज़ उसे याद से प्रेस किया कीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।